रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल होम किचन। आज जो हम रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं वो 5 पकोड़ा रेसिपी हैं। हम एक ही बैटर से 5 तरीके से पकोड़े बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने ये देखे प्याज के पकोड़े बनाएंगे और इस तरीके से ये मोटे मोटे इसके रिंग हमने काट लिए। फिर है हमारा सेकेंड मिर्चे हम इसमें फिल करेंगे यानी चाट का मसाला, और इसको भी हम बनाएंगे। थर्ड हमारा है अंडे के भी हम गोल गोल रिंग काट लेंगे और इसी बैटर में हम डिप करके इसको फ्राई करेंगे। फोर्थ हमारा है आलू के पकोड़े। सबको पसंद होते हैं, बच्चों के फेवरेट हैं, तो हम इसी बैटर से आलू के पकोड़े बनाएंगे। और फिर लास्ट में हम बनाएंगे अपने हरी प्याज के पकोड़े। ये देखिए हरी प्याज 1 प्लेट फुल हमने काट लिए और ये वॉश की हुई है अच्छी तरह। इसके साथ थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना, थोड़ी सी ये प्याज है स्लाइस कर लिया था, इसमें से बची थी तो हमने स्लाइस कर ली। 3 हरी मिर्चें हैं बारीक काट ली हैं, 1 बड़ा चमचा कुटी हुई मिर्च, छोटा चमचा जीरा और नमक। नमक इसमें हम कम डालेंगे क्योंकि हम बैटर में भी नमक ऐड करेंगे और जस्ट इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें रहेंगी। तो हम पहले अपने ये अंडे कटिंग करके आपको दिखा देते हैं कि हमें कितना मोटा रखना है। ये देखिए इसका ये साइज होना चाहिए अंडे का, ये ठीक है, इतना मोटा हमने अंडा रखना है और फिर इसके पकोड़े बनाएंगे। चलें अब हम बैटर तैयार करते हैं, फिर हम जल्दी जल्दी इन सबको फ्राई करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा बेसन बैटर हमने इसका तैयार कर लिया है। तकरीबन 2 कप ही हमने बेसन लिया था, इसको इतना थिक रखना है ताकि ये अच्छी तरह हमारी सारी चीज़ों पे लग जाए। अगर हम इसको पतला करेंगे तो ये ठहरेगा नहीं और तेल में बिखर जाएगा। अब हम इसके फ्राइंग की तरफ आएंगे। सना शरबत बना रही है, रोज़े की तैयारी चल रही है और बस थोड़ा ही वक्त रह गया है। पकोड़े बहुत ज़रूरी हैं इसलिए ज़्यादा से बनाने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये हम मिर्चों के अंदर चाट मसाला अच्छे से फिल कर लेंगे ताकि ये जल्दी से बन जाएं मिर्चें। हमने शान का चाट मसाला लिया है, आप जौन सा पसंद करते हैं वो ही ले सकते हैं। घर का बना हुआ भी चाट मसाला है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शान का बहुत टेस्टी होता है, इसलिए हम लोग शान या बैक पार्लर का मसाला यूज़ करते हैं। रमज़ान का दस्तरखान मिर्चों के बग़ैर अधूरा लगता है, हमारे घर में तो अधूरा ही लगता है क्योंकि हम लोग बहुत शौक से खाते हैं भरी हुई मिर्चें। इसकी भी हम 3-4 तरीके की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। स्टफ़ चिली की, ये देखें ये सारे हो गए हैं। अब हम बस अंडों की कटिंग करेंगे और बस शुमाइला ऑयल गरम कर चुकी हैं तो हम फ्राई की तरफ आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हम आलू के फ्राई करेंगे जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम होता है और सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। जल्दी जल्दी से डाल देंगे और फ्राई करने के बाद हम प्याज वाले रिंग वाले पकोड़े बनाएंगे। ये देखें सब चले जाएंगे इसमें, ऑयल तेज़ गर्म है हमारा। बच्चों के फेवरेट पकोड़े होते हैं, इब्राहिम खाता है शौक से ये पकोड़े। कबीर तो कोई से भी किस्म के पकोड़े नहीं खाता, तो इसके लिए फ्राइज हम बनाएंगे। बस अब जल्दी जल्दी से इनको हिलाएंगे और निकालते जाएंगे। ये देखिए हमारे सारे पकोड़े तैयार हो गए हैं, अब हम इनको निकालेंगे और अपने रिंग वाले पकोड़े जल्दी जल्दी से डालेंगे। टाइम भागना शुरू हो चुका है, तकरीबन हर घर की यही कहानी होती है इफ्तार के टाइम कि ये वाला टाइम, सारा दिन तो गुजरता नहीं है लेकिन ये वाला टाइम बहुत जल्दी जाता है। ये हमने निकाले हैं, अब हम ये जो रिंग वाले थे एक एक लेके
इसको इस तरीके से बेसन में करेंगे और डालेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं ये। देखिए प्यारे से रिंगे ही हमारे, और अब हम फ्राई करेंगे इसके बाद एग पकोड़ा। बस हमारे इतने ही आए हैं, बाकी हम बाद में डालेंगे। ये मज़े से खुश खुश फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए गाइस हमारे प्याज का रिंग पकोड़ा तैयार हो गया। ये माशाल्लाह बहुत प्यारे बने हैं। ये देखें बहुत गर्म है। अब हम बाकी के इसमें डाल देंगे जल्दी से। टेम्परेचर हमारा ऑयल का बिल्कुल सही हुआ हुआ है इस वक्त, क्योंकि ऑयल बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, तो हमें ऐसा ही रखना है। सिंपल है, इसमें जस्ट इस बेसन में हमने कुटी हुई मिर्च और थोड़ा नमक डाला है। सारे आ गए, अब हम एग पकोड़ा बनाएंगे। इसके बाद ये देखिए ये वाले भी हो गए, ये हमने निकाल लिए हैं। अब हम अपने डालेंगे एक पकोड़ा, वो ज़रा एहतियात से डालने हैं आपको, क्योंकि जर्दी निकल गई तो फिर मज़ा नहीं आएगा। पहले हम ये सादे वाले डालेंगे। अब ये जो जर्दी वाला है पार्ट, इसको हम बस हाथ से पकड़ना है हमें जर्दी को, ठीक है, और एहतियात से इसमें डाल दें। इसी तरीके से हम सारे डाल देंगे। ये देखिए बस 2 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। ये देखें एक पकोड़ा हमारा तैयार है। इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना है क्योंकि एग बॉयल है। ये मज़ेदार से पकोड़े तैयार हैं। अब हम डालेंगे इसमें अपने मिर्चों के पकोड़े, जल्दी से बन जाते हैं। सारी मिर्चें बेसन में डाल दें, सही है। अब इसको एक एक करके फ्राई कर लेंगे मिर्चों के पकौड़े। मिर्चें जब तक फ्राई हो रही हैं तो हम अपना हरी प्याज वाले पकौड़े का जो मसाला था वो इसी बैटर में हम डाल देंगे। ये प्याज, हरा धनिया पुदीना और साथ में थोड़ा सा कुटी मिर्च, जीरा, नमक, ठीक है। और आप इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे और इसको भी जल्दी जल्दी फ्राई कर लेंगे। मिर्चें हमारी रेडी हो गई हैं। सना ने मिर्चें एक साइड कर ली हैं, निकाल दी हैं। अब हम अपने हरी प्याज के पकोड़े बनाएंगे। जल्दी जल्दी से डालते जाएंगे इसमें। चाहें तो आप स्पून यूज़ कर लें, लेकिन स्पून से हमसे बनते ही नहीं हैं, हम क्या करें। मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े, लगभग रोज़े का वक्त हो चुका है। हमें ज़रूर बताइएगा आप लोग, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक ज़रूर करें।
सना मेरे साथ ही खड़ी थी, बहुत रोजा लग रहा है। और हमारे कैमरामैन को भी बहुत रोजा लग रहा है। ये देखिए, ये हमने जितने हमारे इसमें आए हमने डाल दिए हैं। अब इनको जल्दी से फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकालेंगे। निकालने से पहले हम अपने दूसरे पैन में फ्राइज डाल रहे हैं, क्योंकि टाइम आपको तो पता है ना कम है। इधर ये फ्राइज तैयार होंगी और इधर हमारे पकोड़े रेडी हो जाएंगे बाहर। बाकी के भी डाल देंगे। और फिर हम दस्तरखान लगाएंगे। जल्दी जल्दी डाल दें सारे। हमें आपके कमेंट्स और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे किस्म के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। ये पूरा हमारा प्लेटर बन चुका है। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं कल एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखें और खुश रहें। चलो।